भाजपा वाला लोग खूब जानते हैं कि सुपड़ा उनका साफ होगा, तो कुछ तो बेचारे विश्वास के लिए कुछ तो बोलेंगे ना। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का तो लेखा जोखा जनता के बीच में है ही, जो कार्य सरकार के द्वारा हो रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद जी के जो कार्यकलाप है, उनके साथ जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उनके कार्यकलाप से पूरे बिहार में जनता में ये एक मैसेज है कि काम अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ में ज्योति सिन्हा। बीजेपी जो है महागठबंधन की सरकार पर लगातार हमला कर रही है, कई तरह की बयानबाजियां जो है वो सामने आती रही है, लेकिन ऐसे में जो सवाल बीजेपी उठाती रही है, ऐसे में जो एक साल का कार्यकाल रहा है, एक साल में किए गए कार्य रहे हैं, उन सभी का जवाब जो है नीतीश और तेजस्वी की सरकार के मंत्री जो हैं वो देते नजर आ रहे हैं और बीजेपी की बोलती भी बंद करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। ये तो भाजपा वाला लोग खूब जानते हैं कि सुपड़ा उनका साफ होगा, तो कुछ तो बेचारे विश्वास के लिए कुछ तो बोलेंगे ना। अपना उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसीलिए इस बात में उनके बात में न कोई दम नहीं। सर, शुद्ध पेयजल को लेकर विभाग समय समय पर काम करते रहती है, कई जिलों में अभी भी आर्सेनिक युक्त पानी है, कई जिले पर जलस्तर गिर गया है, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं अपना? विभाग लगातार उसका समीक्षा कर रही है और लगातार जहाँ भी जलस्तर नीचे जा रहा है उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है और स्वच्छ जल कैसे जनता को मुहैया कराया जाए, सारे चीज़ पर आप जो प्रश्न उठा रहे सारे चीज़ पर विभाग एकदम सक्रिय है और उस पर काम हो रही है। जहाँ मेरा जलस्तर नीचे गया उस चापाकल में फिर से पानी हम कैसे लाएँ, 10 फीट 20 फीट जितना नीचे से लेयर फिर हमको लाना पड़े, ला के हम फिर उसमें पानी लाने का कोशिश कर रहे हैं, फ्रेश चापाकल बनवाने का। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का तो लेखा जोखा जनता के बीच में है ही, जो कार्य सरकार के द्वारा हो रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद जी के जो कार्यकलाप है, उनके साथ जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उनके कार्यकलाप से पूरे बिहार में जनता में ये एक मैसेज है कि काम अच्छा। सुना आपने किस तरीके से पूरा दाता देते नजर आ रहे हैं और ये भी बताते नजर आ रहे हैं कि 2024 की तैयारी कैसी है, 2024 में किस तरीके से कार्य करना है, इसे लेकर के जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।